रामग्वारी में वित्तीय समावेशन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम के कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों और वित्तीय समावेशन हेतु विभिन्न योजनाओं की जानकारी वीडियो विजुअल के माध्यम से दी गई। भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले से एक गांव का चयन डिजिटल विलेज के लिए किया गया, जिसमें नरसिंहपुर जिले से ग्राम ग्वारी का चयन किया है। प्रोग्राम के तहत चयनित नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील के ग्राम ग्वारी में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्तीय समावेशन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनपद पंचायत चावरपाटा अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री शंकर सिंह जी पटेल एवं ग्राम के सरपंच रघुवीर लोधी एवं CSC जिला प्रबंधक श्री ऋषिराज लोधी जी उपस्थित रहे। CSC जिला प्रबंधक द्वारा ग्रामीणों को भारत सरकार की डिजिटल विलेज योजना एवं बचत निवेश आदि से अवगत कराया गया। डिजिटल विलेज योजना के अंतर्गत ग्राम में सोलर लाइट लगाई गई एवं ग्राम के युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर करने हेतु ग्राम में कंप्यूटर लैब एवं CSC ई हेल्थ केयर सर्विस के जरिए ग्रामीण जनों को दिल्ली के अपोलो एवं एम्स के डॉक्टरों से ऑनलाइन चेकअप कराकर और जो भी आने वाले समय में जो भी योजनाएं लागू होंगी वो भी पर आपको सभी को मिलेगी। और बच्चों के लिए इसमें शिक्षा की जो आज के समय में डिजिटल हो रहा है, तो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है BCC CC ये कोर्स 1 और 2 महीने के निःशुल्क कराए जा रहे हैं। तो आप सभी के जो भी है उनका नहीं हुआ है वो सब लोग बच्चों का एडमिशन करा दें जो भी 8वीं पास है, इसके बाद उनको यहाँ क्लास में भी भेजें और वो यहाँ पर सब कुछ अपने विधिवत पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अब मैं सभी लोगों को धन्यवाद। जिले से एक ही मात्र ऐसा गांव है जिसको डिजिटल गांव के लिए चयनित किया गया है, तो आप लोगों को ये खुशी का विषय है कि आपका जो गांव है वो डिजिटल गांव के लिए नरसिंहपुर जिले से एकमात्र गांव है जिसको चयनित किया गया है। डिजिटल गांव क्या है, ठीक है, तो जो डिजिटल गांव है, डिजिटल क्योंकि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि डिजिटल एक पढ़ा लिखा और एक कंप्यूटराइज या मतलब एक ऐसा शब्द है जो हमको जागरूक बनाने के लिए ही अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है। तो डिजिटल जो गांव है उसके अंतर्गत एक गांव आपका पूरा गांव स्वास्थ्य से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, नेटवर्क से जुड़ा हो,